चलिए आज का वीडियो पूरे YouTube पर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है स्टूडेंट, क्योंकि आज के इस वीडियो से हम लोग क्लास 12th फिजिक्स का हम मॉडल पेपर करने वाले हैं, जो कि आपके डायरेक्ट 2023 और सेंटा पे एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये सब दोस्तों चुनिंदा प्रश्न है, जो कि बिहार बोर्ड के द्वारा दोस्तों चुन कर लाया गया, और यह सब प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट लड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट, सभी विद्यार्थी लास्ट तक बने रहना चैनल पर। जो विद्यार्थी पहले बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि उनको PDF देना है। क्या देना है? PDF देना है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। साथ में नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया, ज्वाइन कर लेना, वहां से आप लोग को PDF मिल जाएंगे। या तो गूगल पर सर्च करना educationlecture.com, यहीं आप लोग को जाकर के सर्च कर देना है। चलिए सारे विद्यार्थी लास्ट तक बने रहना, पूरे YouTube पर भोकाल वीडियो होने वाला है, और आप लोग लास्ट तक बने रहना, कमेंट करके बताना कितने क्वेश्चन आप लोगों से मालूम थे। ठीक है ना, चलिए न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग वो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट मॉडल पेपर की शुरुआत हो चुकी है। चलिए लास्ट तक बने रहना, PDF कोर्स के लिए यहां से संपर्क कर सकते हैं। जितना भी आप लोग को पढ़ाएं पूरा ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव सभी आप लोग को मिलेगा इस नंबर पर। ठीक है स्टूडेंट, चलिए देखिए पहले थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए, यहाँ पर आप लोग को कुछ निर्देश देंगे। प्रश्न संख्या 42 से लेकर के 4 विकल्प दिया गया, जिसमें से सिर्फ एक ही उत्तर सही होगा, जिसको आप लोग को OMR sheet यानी कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाना है। चलिए आप लोग आज जितना भी डाउट रेडिएशन बिल्कुल क्लियर होने वाला है, क्योंकि अधिकतर विद्यार्थियों को कुछ डाउट हो जाता है उस प्रश्न, तो वो प्रश्न को भी कवर कर लिया गया है। चलिए सभी लोग भौकाल मचाने के लिए वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और सभी विद्यार्थी लास्ट तक देखना। ठीक है ना, चलिए कारक स्काई वेव संचार आधारित है डियर स्टूडेंट, यानी कि स्काई वेव जो संचार है डियर स्टूडेंट किस पर आधारित है। चलिए बहुत अच्छा, आंसर देने से पहले ही आप लोग आंसर देने, चलिए आयन मंडल द्वारा परिवर्तन पर। स्काई वेव जो दोस्तों संचार आधारित है, आयन मंडल द्वारा परिवर्तन पर आधारित है। जो विद्यार्थी इसका ए नंबर, देखिए 100% विद्यार्थी का ए नंबर ही आया, यानी कि किसी विद्यार्थी का गलत आंसर नहीं आया है, यानी कि स्काई वेव संचार आधारित है तो आयन मंडल द्वारा परिवर्तन पर। देखो इस क्वेश्चन को मैं बेहतर तरीके से समझाऊंगा, इसके लिए दो क्वेश्चन को कवर कर लिया ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। कहा जाए कि एक स्वस्थ व्यक्ति की आंख के लेंस की फोकस दूरी दोस्तों 25 सेंटीमीटर, ऐसा आप लोग सोच रहे लेकिन गलत जवाब है। ठीक है स्टूडेंट, कहा जाए कि एक स्वस्थ व्यक्ति के आंख के लेंस की फोकस दूरी, क्या कहा जाए यहाँ पर गौर फरमाओ, लेंस का फोकस दूरी के बात कर लगभग 2 सेंटीमीटर होता है। अगर एक व्यक्ति के स्वस्थ आंख के स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पूछता है तब 25 सेंटीमीटर होता है, इस स्थिति में 25 सेंटीमीटर होगा। समझोगे एग्जाम में भौकाल मचा दोगे, नहीं समझोगे मार कर दोगे। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि गलती कर दोगे। यहाँ से आप लोग को समझ रहे हैं, यहाँ पर लेंस की फोकस दूरी पूछा जा रहा है और यहाँ पर स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है, मुझे ही पता है। लेकिन दोस्तों आप लोग को ये क्वेश्चन पता होना चाहिए, क्योंकि सही विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी लगाते हैं इसमें। नहीं, लेंस का फोकस दूरी पूछा जा रहा है तो 2 सेंटीमीटर होता है, और किसी व्यक्ति के दोस्तों स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर और अधिकतम अनंत होता है। चलिए यहाँ से बिल्कुल 3 नंबर क्लियर करेंगे, मुझे आशा है कि इसके बाद आप कभी भी आप लोग कन्फ्यूजन नहीं करोगे। चलिए शपथ ले लीजिए, इस क्वेश्चन को याद कर लीजिए, एग्जाम में गलती करके मत आना। लेंस की फोकस दूरी पूछेगा 2 सेंटीमीटर, न्यूनतम दूरी पूछेगा 25 सेंटीमीटर। चलो अधिकतम तो जानते ही आप लोग अनंत होता है। देखो कहा जाए कि कौन आवेशित कण नहीं है डियर स्टूडेंट, देखिए बेच ऑफ द फॉलोइंग नोट चार्ज, यानी कि इस पर चार्ज नहीं है, किस पर? तो देखो अल्फा रे पर, बीटा रे, ये इलेक्ट्रॉन, ये सब पर दोस्तों आवेश पा जाता है। लेकिन आवेश रहे तो जो कण आप लोगों का दोस्त होता है फोटोन कण होता है। तो यहाँ से देखोगे ए नंबर जो विद्यार्थी लगाए हो बिल्कुल भौकाल मचाती है, यानी कि आप लोग को याद रखना किस पर दोस्तों आवेश नहीं पाया जाता, तो याद रखना फोटोन कण जो देंगे दोस्तों ये आप लोग को, इस पर आवेश जो होता है नहीं पाया जाता, आवेश रहित कह सकते हैं, या तो कह सकते आवेशित नहीं है, तो फोटोन कण आवेशित नहीं है। बाकी इस पर आवेश पाया जाएगा, इस पर भी पाया जाएगा, इस पर भी पाया जाएगा, ध्यान रखना डी स्टूडेंट ए नंबर हो जाएंगे। चलिए देखिए कहा जा रहा है डी स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखोगे हवा में ऑप्शन आर का वैल्यू क्या होता है। देखिए हवा में ऑप्शन आर क्या होता है दोस्तों, ऑप्शन आर का वैल्यू, चलिए सही विद्यार्थी कमेंट कीजिए यहाँ से प्यारा सा। देखिए हवा में ऑप्शन आर यूमी आर सभी का वैल्यू एक ही होता है, वो आप लोगों को देख पा रहा होगा, ए नंबर हो जाएंगे डी स्टूडेंट, यानी कि ऑप्शन आर जो होता है दोस्तों यूमी आर और ऑप्शन ये दोनों का मान 1 होता है। ये तो क्वेश्चन एग्जाम में 2021 में पूछा गया है, ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। मैं कहूँगा डियर स्टूडेंट 2023 में पूछा जा सकता है, कोई
कोई दोस्तों आप लोगों का याद कर लेना अति आवश्यक है, कोई इसमें शंका नहीं होना चाहिए क्योंकि 23 में पूछा जा जाएगा। यानी कि MUR यानी कि UR का मान जो होगा दोस्तों आप लोग को याद रखना 1 होगा। अगर आप लोगों को इसका सूत्र की बात करें तो MU बटा इम्यून नॉट होता है, इसे भी आप लोग को याद रखना डिएशन, ताकि आप लोग बोर्ड एग्जाम में बहुकाल मचा पाएंगे। चलो यहाँ से नंबर वाले पे जाते, बहुत अच्छा आंसर दिए। देखिए मैग्नेटिक इंडक्शन का दोस्तों यूनिट पूछा जा रहा है। देखिए चुंबकीय प्रेरण पूछे या चुंबकीय क्षेत्र पूछे, दोनों का मात्रक टेस्ला होता है। क्या होता है? विद्युत फ्लक्स का वेबर होता है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला होता है, वोल्ट मीटर विद्युत फ्लक्स का होता है, मोटर तो देखिए मोटर नहीं मीटर। चलो बहुत ही अच्छा सारे विद्यार्थी, गजब यार बहुत ही अच्छा आंसर दियो, दिल खुश कर देने वाला आंसर आप लोग देते हो। ऐसे ही आप लोग को भौकाल मचा देना, सारे को PDF दे दूंगा, educationlecture.com सर्च करना गूगल पर, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छा सारे विद्यार्थी बे नंबर दिए हैं। चलिए यहाँ से देखेंगे, देखिए ये प्रश्न, ये कोई आम प्रश्न नहीं है डीएस, और ये प्रश्न है पूरे YouTube पर शायद, देखो पृष्ठीय घनत्व तो करा देगा लेकिन रैखिक घनत्व आयतन घनत्व कोई नहीं कराएगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि क्वेश्चन बैंक के सवालों को आगे पीछे करके आप लोगों को सिर्फ पढ़ाया जाएगा, लेकिन नहीं आवेश का रैखिक घनत्व मैं आप लोगों को बतलाता हूँ। देखिए आवेश कुल आवेश बटे कुल लंबाई होता है, आप सोचोगे कैसे? देखिए प्रति इकाई लंबाई पर उपस्थित आवेश को ही आवेश का रैखिक घनत्व कहते हैं। प्रति इकाई लंबाई पर उपस्थित आवेश को आवेश का रैखिक घनत्व कहते हैं, इसको इंग्लिश में क्यू बटा एल के नाम से जानते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट। बहुत अच्छा आंसर दे रहे हो, कुल आवेश बटा कुल लंबाई सी नंबर ऑप्शन में दिया गया। आवेश का पृष्ठीय घनत्व पूछेगा तो कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल बी नंबर हो जाएंगे, लेकिन आवेश का आयतन घनत्व पूछेगा तो कुल आवेश बटा कुल आयतन हो जाएंगे। देखो तीन नंबर क्लियर कर लेना, यहाँ से आप लोग को डायरेक्ट सी नंबर हो जाएंगे। आवेश का रैखिक घनत्व कुल आवेश बटा कुल लंबाई होता है, आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में पूछा जाएगा 100% गारंटी। चलिए कहा जा रहा है कि एक फैराडे बराबर क्या हो जाएगा, 96,500 कूलम होता है, होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है, लेकिन नहीं डियर स्टूडेंट वो नहीं पूछा जा रहा है। एक फैराडे जो होता है संधारित्र का मात्रक होता है, और एक संधारित्र का मात्रक फैराड होता है, तो दोस्तों प्रति इकाई आयतन में आवेश के अनुपात को हम लोग दोस्तों संधारित यानी कि कह सकते हो एक फैराड जो होगा डियर स्टूडेंट गुलाम प्रति वोल्ट, यानी कि एक गुलाम एक दोस्तों वोल्ट। बहुत अच्छा एकदम गजब सही विद्यार्थी लगा रहे हो गुलाम प्रति आयतन। चलिए एकदम ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आप लोग बिल्कुल याद कर लीजिए आप लोग को, क्योंकि डंका मचा देना एग्जाम में। चलिए कार्य फोटोन का विराम दमान, देखिए रेस्ट मात पूछा जा रहा है डीएस ने। देखिए फोटोन का विराम दमान जो होता है शून्य होता है, इससे आप लोग को याद रखना है, लेकिन डीएस स्टूडेंट मैं पूछ दूँ आप लोगों से गतिम दमान तो क्या कीजिएगा, गातिक द्रव्यमान आपसे पूछ दिया तो क्या कीजिएगा, तो लैम्डा बचा HC होता है, यानी कि उच्च स्थिति में B हो जाएगा, लेकिन आप लोगों को फोटोन की ऊर्जा पूछेगा HB, लेकिन ये सब हम लोग को ध्यान नहीं रखना है। फोटोन का विराम दमान दोस्तों 0 होता है, ए नंबर याद रखना, और बाकी तो मैं आप लोग को कराते रहता हूँ। देखिए कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन परमाणु में इलेक्ट्रॉन कोणीय संवेग बराबर होता है। देखिए ना डियर स्टूडेंट आप लोग तो भौकाल मचा देंगे मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है ना। तो आप लोग कमेंट कीजिए फटाफट, नीचे कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट आना चाहिए आप लोग का कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग जो होता है H/2π होता है। ये प्रश्न आप लोग को 2021 के अतिरिक्त क्या बताऊँ पॉपुलर प्रश्न है, ठीक है ना। कहा जा रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन के न्यूनतम कोणीय संवेग H/2π होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। चलिए डियर स्टूडेंट एकदम भौकाल मचा के आना है, एकदम गर्दा उड़ा देना एग्जाम में, ठीक है ना। चलिए बहुत ही अच्छा, चलिए थोड़ा सा पानी पी लेते हैं डियर स्टूडेंट आप लोग 11 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिए। चलिए बहुत अच्छा डियर स्टूडेंट आप लोग बिल्कुल भौकाल मचा दिए, ऐसे ही आप लोग एग्जाम में भौकाल मचाना। चलिए कहा जाए विद्युत क्षेत्र के तीव्रता का मात्रक क्या है। देखिए विद्युत क्षेत्र के तीव्रता का मात्रक न्यूटन पर कूलम होता है, वोल्ट बटा मीटर होता है, ये दोनों होता है विद्युत क्षेत्र के तीव्रता, लेकिन न्यूटन पर कूलम याद रखना है। यहाँ से देखोगे तो ए नंबर ऑप्शन में दिया गया डी स्टूडेंट, यानी कि न्यूटन पर कूलम जो हो जाएंगे डी स्टूडेंट यहाँ से ए नंबर हो जाएंगे। सही विद्यार्थी भौकाल मचा देना, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम में क्या करना है, हल्का मचा करके आना है, ठीक है डी स्टूडेंट। चलो
चलिए बहुत ही अच्छा, सही विद्यार्थी बहुत अच्छा आंसर देते हो। चलिए एफ बटा क्यू होता है इसका सूत्र, यानी कि प्रत्येक इकाई आवेश पर लगने वाला बल एफ दोस्तों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है। चलिए एकदम तहलका मचा दिए, फिकर नहीं लेने का, डेशन देने का। चलिए कहा जाए कि धारा सुग्राहिता क्या, देखिए वोल्टेज सुग्राहिता धारा सुग्राहिता क्या बताऊँ, हर वर्ष पूछा गया। देखो ये धारा सुग्राहिता है डेशन, इसको मैं क्या बताऊँ, इतना बार पता नहीं क्यों पूछ रहा है, कंपार्टमेंटल में पूछा है। कहा था धारा सुग्राहिता बराबर छः बटा धारा होता है, ये सेंटअप एग्जाम सेंटअप नहीं इंटरनेट मॉडल पेपर 2022 में पूछा हुआ है। साथ में आप लोग को बतलाते चलें, इसका ए नंबर हो जाएंगे बेछे बटा धारा हो जाएंगे, और साथ ही साथ डियर स्टूडेंट वोल्टेज सुग्राहिता क्या हो जाएगा, तो वोल्टेज सुग्राहिता बेछे बटा विभवांतर हो जाएंगे। जो विद्यार्थी नोट कर रहे हैं वो एक और नोट कर लेंगे कि धारा सुग्राहिता बराबर वोल्टेज सुग्राहिता बराबर बेछे बटा विभवांतर होता है, लेकिन धारा सुग्राहिता बटा दोस्तों बेछे बटा धारा हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, यहां से सही विद्यार्थी ये नंबर को याद रखना, एग्जाम में तहलका मचाना चाहते हो जितना भी आप लोगों को विशेष ज्ञान देते हैं बिल्कुल कवर कर लेना, अगर नहीं भी कर तो कोई दिक्कत नहीं, जितना आप लोगों को देते बस नोट्स करते जाओ, या तो मेरा आप लोग पीडीएफ कोर्स ले सकते हो, आप लोग को बिल्कुल एग्जाम में क्वेश्चन टकराएगा मेरे उम्मीद है स्टूडेंट। ठीक है ना, चलिए यहां से देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां से देखिए ये सब प्रश्न में सही विद्यार्थियों को कन्फ्यूजन होता है, आप लोगों को पता ना है कि आप लोगों को क्वेश्चन बैंक में ऑलमोस्ट क्वेश्चन का गलत आंसर आता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं मैं आप लोगों के साथ हूँ, क्वेश्चन बैंक के में दोस्तों आप लोगों का गलत देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर नहीं। चला के अन्य इलेक्ट्रॉन की गति त्वरित होती है ऐसा आप लोग जानते हैं, लेकिन मैं नहीं जानता हूँ, ऐसा अपसरित होता है। क्या होता है? अपसरित। धारावाहिक चालक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की गति होती है अपसरित होती है। देखिए कुछ विद्यार्थी जो होंगे जबरदस्त होंगे त्वरित ही मानेंगे, लेकिन मानने दीजिए मैं आप लोगों को राइट आंसर कराऊंगा, धारावाहिक चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो गति होगी अपसरित होगी। यहाँ से आप लोग को याद रखना, सी नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। चलो भौकाल मचा के आना एग्जाम में, एक एक क्वेश्चन को फाड़ देना है। चलिए देखिए ये क्या हुआ, इक्विवेलेंट रिएक्टेंस इज इक्वल, देखिए धारतीय प्रतिघात बराबर क्या होता है, देखिए देखिए धारतीय प्रतिघात बराबर क्या होता है, आप लोगों से क्वेश्चन किया गया है। देखो धारतीय प्रतिघात जो होता है वन बटा ओमेगा सी होता है, यहाँ से ए नंबर लगा दोगे, लेकिन वही विद्यार्थी नहीं नंबर लगाएंगे जो जल्दबाजी करेंगे, मैं कहता हूँ थोड़ा सा ठहरो, थोड़ा अपने आपको टाइम दो ढलने के लिए वहाँ पर, यानी कि वन बटा ओमेगा सी बिल्कुल आप लोग का करेक्ट है, लेकिन इसके अतिरिक्त वन बटा टू पाई एफ सी भी होता है, पिछले वीडियो में आप लोग को स्क्रीन शॉट लेवा चुके हैं, 2πfc भी होता है, ये दोनों जो होते हैं धारतीय प्रतिघात होते हैं। ये पूरे एटो पर देखोगे सिर्फ यहीं पर आप लोग को देखने को मिलेगा, क्योंकि मैं आप लोग को बता चुका हूँ कि बिहार बोर्ड के पैटर्न के अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन तैयार करते हैं, सी नंबर हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, याद रखना, यानी कि धारतीय प्रतिघात वन बटा ओमेगा सी भी होता है और वन बटा 2πfc भी होता है, और प्लैनिक प्रतिघात ओमेगा एल होता है और 2πfl होता है। चलिए देखिए शुद्ध संधारित यानी कि प्योर दोस्तों कैपेसिटर का दोस्तों जो आप लोग का प्रतिभाधा हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, ऐसा प्रश्न को हम लोग ठोक देंगे, क्या कर देंगे दोस्तों ठोक देंगे, यानी कि एग्जाम में ठोक देंगे, वन बटा ओमेगा सी होता है। अब सोचोगे धारतीय प्रतिघात वन बटा ओमेगा सी और शुद्ध प्रतिभाधा दोनों, तो बिल्कुल डीएसटून दोनों होगा, समझोगे एग्जाम में भौकाल मचाओगे, शुद्ध प्रतिरोध का संधारित्र का भी वन बटा ओमेगा सी होता है, अगर शुद्ध अगर प्रकात पूछेगा तो ओमेगा एल याद रखना, लेकिन नहीं ये दोनों का राइट आंसर ओमेगा सी होता है, वन बटे ओमेगा सी और ये बेटी। चलिए बहुत अच्छा आंसर, 15 का ए नंबर याद रखना मेरे प्यारे विद्यार्थी। चलिए किरोसिन, देखिए किरोसिन किरोसिन का अपवर्तनांक तो आप लोगों को पक्का पूछा जाएगा, पक्का पूछा जाएगा, याद रखने का ये स्टूडेंट विशेष ज्ञान देते हुए चलेंगे एग्जाम में तहलका मचा देंगे। 16 नंबर प्रश्न का ए नंबर वाले विद्यार्थी बिल्कुल जहर आंसर दिए, यानी कि 1.44 जो होते हैं किरोसिन का अपवर्तनांक होते हैं, क्या होते हैं अपवर्तनांक होते हैं, ये ताड़पिन तेल का होता है, क्या होता है ताड़पिन तेल। ठीक है स्टूडेंट, बहुत अच्छा आंसर आप लोग देते हो, एकदम तहलका मचा देना है बिल्कुल स्टूडेंट। चलिए बिल्कुल हल्का ये होता है, चलिए बहुत ही अच्छा स्टूडेंट, यहाँ से आप लोग याद रखना इसका ए नंबर हो जाएंगे, जो आप लोग का क्वेश्चन का अपवर्तनांक 1.44 होता है, साथ में आप लोग को पता है दोस्तों हीरा का 2.42 होता है डायमंड का। ठीक है स्टूडेंट, बहुत इजी प्रश्न आप लोग को बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तहलका मचाना चाहते हो याद कर लीजिए। देखिए पारेक्स कांच का पारा वैद्युत स्थिरांक पूछा जा रहा है, पारेक्स कांच का पारा वैद्युत स्थिरांक जानने से पहले आप लोग को बेंजीन का पता होना चाहिए कितना होता है, तो बेंजीन का दोस्तों आप लोग को पता होना चाहिए 2.3 होता है, क्या होता है 2.3 होता है। चलिए बहुत अच्छा डी स्टूडेंट, एकदम तहलका में पानी का पारा वैद्युत स्थिरांक होता है। ठीक है स्टूडेंट, बहुत अच्छा आंसर देते हो आप लोग, गजब
गजब डी स्टूडेंट, एकदम गजब। ऑप्शन नंबर डी देखिए, यहाँ पर आप लोग का पानी का हो गया, ये आप लोग का बेंजिन का हो गया। यहाँ से देखोगे तो यहाँ से आप लोग का 3.5 कागज का हो गया, यहाँ से 4.7 किसका हो गया, पारेक्स कांच का हो गया। पारेक्स कांच याद रखना, पारेक्स कांच से याद रखना 4.7 एग्जाम में पूछा जाएगा, भौकाल मचा के आना होगा। चलिए अपेक्षिक पराबाध्यता बराबर क्या होता है, अपेक्षिक पराबाध्यता दोस्तों जब आप लोग का यू आर बराबर पता होगा ए यू बटा यू नॉट, तो यहाँ से आप लोग इसका भी निकाल सकते हो, ई बटा एप्सिलॉन नॉट होगा। चलिए डी स्टूडेंट एकदम हल्का मजा दिए, अपेक्षिक पराबाध्यता का कोई मात्रक की बात करें कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से आप लोग को याद रखना है ई बटा एप्सिलॉन नॉट इसका दोस्तों सूत्र हो जाएंगे, ठीक है डी स्टूडेंट। ये 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है, ये 2022-23 में पूछा जाएगा। चलिए कागज का पराबाध्यता स्थिरांक कितना होता है, देखिए कागज का पराबाध्यता स्थिरांक पूछा। अभी मैंने बोला, अभी अपन ने बोले कि 2.1 जो होता है टेफ्लॉन का होता है, 2.3 बेंजीन का होता है जी, बिल्कुल होता है। चलिए एग्जाम में भौकाल मचाना आप लोगों को, और ये कागज का 3.6 हो जाएंगे, अभ्रक का ये सीधे वाला और बी वाला दोस्तों किसका है। चलिए एकदम भौकाल मचा देना आ रही है स्टूडेंट, पारेक्स कांच का 4.7 होता है और कागज का आप लोग को पता है कि 3.5 होता है और अभ्रक का 3-6 होता है जो किसी नंबर में। चलिए बिल्कुल एक ही ऑब्जेक्टिव से 15 नंबर क्लियर, चलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। कागज का पराबाध्यता स्थिरांक पूछेगा 3.1। बोर का आवृत्ति शर्त क्या, देखिए बोर गए आवृत्ति का शर्त, देखिए यहाँ से आप लोग कमेंट कीजिए। डियर स्टूडेंट 2020 में पूछा हुआ प्रश्न, लाजवाब प्रश्न है। बोर का आवृत्ति जो शर्त होगा वो कौन सा शर्त होगा, देखिए आप लोग को पता होना चाहिए E1 माइनस E2 जो होता है HB होता है, ये होता है दोस्तों बोर का शर्त। किसका होता है, बोर का शर्त ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए एकदम भौकाल मचा के सही विद्यार्थी बे नंबर ऑप्शन लगाते हो, बहुत अच्छा। देखिए हाइड्रोजन बम आधारित, अब हाइड्रोजन बम दोस्तों आधारित है वो किस पर आधारित है, कमेंट कीजिए डी सुन, हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है। चलिए बहुत अच्छा, सही विद्यार्थी का लाजवाब आंसर आता हुआ, ऐसे एग्जाम आप लोग को हल्का मचा देना है। 21 का बी नंबर यानी कि नाम किए सालियन, हाइड्रोजन बम इसी पर आधारित है डी सुन। यहाँ से देखोगे बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे कि हाइड्रोजन बम जो आधारित होगा बेसड जो होगा क्या होगा, न्यूक्लियर फैशन पर हो जाएगा, यानी कि ना ये सलियन ऑप्शन नंबर बी। देखिए अल्फा कण हीलियम का नाभिक होता है, हीलियम न्यूक्लियस होता है, ठीक है डी सुन। चलिए बहुत ही अच्छा एकदम गजब, ये क्वेश्चन को याद करना, एग्जाम में पूछा जाएगा कि अल्फा कण होता है तो याद रखना हीलियम का नाभिक होता है, क्या होता है हीलियम का नाभिक, तो कौन सा ऑप्शन डी नंबर हो जाएंगे, हीलियम ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, ठीक है डी सुन, हीलियम का नाभिक होता है, यानी कि डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे। देखिए और गेट नॉर गेट एंड गेट नैंड गेट ये सब आप लोग को क्लियर कर लेना है। देखिए ना डी सुन, और गेट ना पूछा गया है तो ए प्लस बी बराबर बाई होता है, अगर मेरे प्यारे लाल नॉर गेट पूछेगा चादर उड़ा दो, यानी कि ना का मतलब नहीं रहा चादर उड़ा दो। चलिए देखिए यहाँ से आप लोग को ट्रिक वगैरह कुछ नहीं होता है, यहाँ से आप लोग को याद रख रहा है ए प्लस बी बराबर बाई हो जाएंगे, और गेट के लिए नॉर लगेगा यानी कि इस पर बार लग जाएगा, ठीक है डेस्ट। लेकिन हम लोग को और पूछा जाएगा ए प्लस बी बराबर बाई। अब देखिए एंड गेट की बात सोचोगे ए डॉट बी जो होता है बाई होता है, अगर नैंड गेट पूछेगा तो इस पर बार लगा दीजिए, बस बस इतना, 4 नंबर क्लियर हो गया, एग्जाम एक नंबर फिक्स है, ठीक है डेस्ट। यहाँ से देखोगे ए नंबर ऑप्शन हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। चलिए बहुत अच्छा आंसर आप लोग देते हो, बिल्कुल एग्जाम में भौकाल मचा दोगे। चलिए एक गॉस इक्वल क्या हो जाएंगे डेस्ट, 1 गॉस इज इक्वल टू, और आप लोग कमेंट करके बात लाना। चलिए बहुत ही अच्छा गजब का आंसर डी स्टूडेंट, एकदम एकदम 10^4 गॉस होता है। चलिए बहुत अच्छा, 10^4 गॉस होता है, एक गॉस बराबर, ठीक है स्टूडेंट, इजी क्वेश्चन था, आप लोग तो कर सकते थे। चलिए बहुत अच्छा, देखिए चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला होता है, देखिए इतना इजी क्वेश्चन, देखिए चुंबकीय प्रेरण या टेस्ला दोनों का मात्रक टेस्ला ही होता है, चुंबकीय प्रेरण या चुंबकीय क्षेत्र का मासला क्या होता है, टेस्ला होता है जी। बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट, एकदम एकदम एकदम, थोड़ा सा पीछे चलेंगे क्या हो गया, इसका एक गॉस बराबर क्या बतलाएं, एक गॉस बराबर 10^4 टेस्ला नहीं होगा, गौसे के रूप में कहाँ से होगा, टेस्ला के रूप में होगा, इसलिए बिना। देखिए ठोस कौन या अभी तक पूछा नहीं गया, मैं कहूँगा बिल्कुल कहूँगा पूछा जाएगा, घन कोण का मात्रक क्या होता है, घन कोण का मात्रक स्टेडियन होता है, यानी कि ठोस कोण सॉलिड एंगल, ठीक है डी स्टूडेंट,
यानी कि ठोस कण का एसआई यूनिट जो होता है एस्टेरेडियन होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ए नंबर हो जाएंगे, एस्टेरेडियन ऑप्शन नंबर ए। चलिए इम्यूनोट का वैल्यू क्या होता है देखिए, आप लोगों को तो दोस्तों गजब हो, आप लोग तो बिल्कुल भौकाल मचा दोगे। 4 × 10⁻⁷ हेनरी बटा मीटर होता है, यहाँ से ए नंबर, यानी कि इम्यून आउट का जो मान होता है गजब यार, ये प्रश्न पूछा गया था। चलिए बहुत ही अच्छा आंसर दे रहे हो सही विद्यार्थी, इसी प्रकार से भोपाल मचाएंगे एग्जाम में। 4 × 10⁻⁷ हेनरी बटा मीटर होता है, सही विद्यार्थी गजब तरीके से ए नंबर दे रहे हैं। चलिए बहुत ही अच्छा डे सुना, ऐसे ही आप लोग कमेंट करते हैं। चलिए कह रहे कि एक चुंबकशीलता के बराबर दोस्तों होता है, देखिए एक लौह चुंबकशीलता होता है दोस्तों, बताइए एक लौह चुंबक ये पदार्थ की चुंबकशीलता क्या होता है? इम्यू ग्रेटर देन वन की, इम्यू बराबर वन की, इम्यू लेस देन वन की, इम्यू इक्वल जीरो। ठीक है डे सुन, बहुत अच्छा बहुत ही अच्छा गजब। इम्यू दोस्तों होगा ग्रेटर देन जितना बड़ा होगा उतना वन होगा। ठीक है डे सुन, यहाँ से ए नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। बहुत अच्छा आंसर आप लोग दे रहे हो, बिल्कुल एग्जाम में तहलका मचा दोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगा, एग्जाम में आप लोग बेहतर तरीके से 35 नंबर पकड़ के लाओगे ऑब्जेक्टिव वाला। हवा का पैरा वैद्युत सामर्थ्य क्या होता है? देखिए हवा का पूछा आप लोग को कई बार, पैरा वैद्युत सामर्थ्य कितने लोगों को बता चुका हूँ, हवा का पूछा गया है। क्या पूछा गया रेडिएशन? हवा का, बस कुछ नहीं, याद रखना है 6 × 10⁶ से वोल्ट बटा मीटर होते हैं, क्योंकि वोल्ट बटा मीटर जो यूनिट होता है पैरा वैद्युत सामर्थ्य होता है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का। चलिए बहुत अच्छा ऑप्शन नंबर बी 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। देखो ये सब प्रश्न आप लोग को कराते रहते, अगर आप लोग चाहते हो, अगर आप लोग चाहते हो कि 90% ले आए एग्जाम में, तो आप लोग PDF कोर्स अवश्य लेना है, आप लोग को नंबर आप लोग को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन, नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है। चलिए देखिए कहा जा रहा है कि एक पैरा वैद्युत समानता पट्टिका संदेश के प्लेटों के बीच धारण पर धारिता का, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बढ़ जाता है। देखिए आप लोगों को पूछा जा रहा है कि एक पैरा वैद्युत समानता पट्टिका संदेश के प्लेटों के बीच डालने पर धारिता का मान क्या होगा, तो बढ़ेगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। देखिए सुन, स्वप्रकातों का मात्रा क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए स्वप्रकात प्रकात्व अन्योन प्रेरण सभी का मात्रा के एक ही होता है, वो हेनरी होता है। क्या होते हैं ये सुन, कमेंट कीजिए। बेबा तो यार विद्युत फ्लक्स का होता है, प्रतिरोध का मात्रा को ओम होता है, और स्वप्रकात्व या अप्रकात्व या अन्योन प्रेरण सभी का मात्रा के हेनरी होता है। बहुत अच्छा, सी नंबर हो जाएंगे। देखिए किरचॉफ का धारा नियम है, और वो किससे संबंधित है? सही विद्यार्थी कमेंट करो तो देखते हैं किसका आंसर आता है। किरचॉफ का जो धारा नियम है, देखिए धारा नियम यानी कि आप लोग अभी यहाँ से बहुत से विद्यार्थी कन्फ्यूज हो जाएंगे, लेकिन मैं आप लोगों से कहूँ कन्फ्यूजन की कौन सी बड़ी बात है, धारा की बात आएगा, आवेश को याद रखना है स्टूडेंट। क्यों देंगे? आवेश संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करेगा धारा का नियम। अगर आप लोगों से पूछे ऊर्जा का संरक्षण बता दो, ऊर्जा का संरक्षण किरचॉफ का द्वितीय नियम किससे संबंधित है, तो याद रखना ऊर्जा प्रथम लॉ आवेश से, ये सब याद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोग टेंशन में। यहाँ पर चार्ज होगा, क्या होंगे? CHRJ चार्ज हो जाएंगे आवेश। देखिए जब किसी वास्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान दोस्तों इंक्रीज भी कर सकता है, कभी डिक्रीज भी कर सकता है, यानी कि जब किसी वास्तु को आवेशित किया जाएगा तो उसका द्रव्यमान होगा क्या होगा दोस्तों, बढ़ेगा या घटेगा, कमेंट कीजिए तो हम लोग देखते हैं किसका आंसर आता है। कहा जा रहा है स्टूडेंट की भावेन एने ऑब्जेक्ट चार्ज इट्स मास, यानी कि जब किसी वास्तु को आवेशित किया जाता है, ऑब्जेक्ट किया जाता है, तो चार्ज क्या होगा? इट्स मास, यानी कि हमेशा मास क्या होगा? बढ़ भी सकता है, कहने इंक्रीज और कहने डिनक्रीज, यानी कि इंक्रीज भी कर सकता है, यानी कि बढ़ और घट दोनों सकता है। देखो गामा किरण कितना होता है, देखो गामा किरण कितना है, मैंने एक ट्रिक बताया, गामा किरण को लिख लो, अब गामा किरण को आप लोग को याद करना, एक्स को याद करना है, तो याद रखना एक्स किरण कितना हो देंगे। ये ट्रिक आप लोग को दिया है, गामा किरण समझ में ना आए तो स्ट्रक्चर गामा किरण का देख लेना, ये स्ट्रक्चर होता है बाई कितना है, अब बाई आप लोग को एक्स के बाद आता है, तो यहाँ से याद रखना गामा किरण कितना है, जो होगा एक्स किरण होगा, यहाँ से ऑप्शन नंबर डी हो देंगे। देखो ये गामा किरण बहुत इंपॉर्टेंट है, चलिए बिल्कुल एक्स किरण कितना होता है, गामा किरण, बहुत अच्छा आंसर दी हो, बिल्कुल भौकाल मचा दी हो।
देखिए कहा जा रहा है कि नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होगा। देखिए नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर बात करें तो बढ़ेगा या घटेगा, आप लोगों के हाथों में है आंसर। तो यार नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर डिनक्रेज करेगा अर्थात घटेगा। क्या करेगा डी स्टूडेंट? डिनक्रेज करेगा, घट जाएगा। बहुत ही अच्छा आंसर दियो डी स्टूडेंट आप लोग, बहुत अच्छा। गजब, यानी कि घटता है। देखिए ये प्रश्न आपको 2023 में पूछा जाएगा तो याद रखना, और आप लोग ये भी याद रखना ये 2020 में पूछा हुआ है। तेजी से चलने वाले बेटा के ने क्या होता है? महात्म विदर्शन गमा का होता है। तो तेजी से चलने वाले बेटा के ने क्या होता है डियर स्टूडेंट? तेजी से चलने वाला मूविंग जो दोस्तों जो होता है बेटा रे सबसे फास्ट करता है, ठीक है डियर स्टूडेंट? तो बहुत अच्छा कौन होता है तेजी से चलने वाला बेटा के ने? बहुत ही अच्छा, फोटोन नहीं होगा, प्रोटोन भी नहीं, न्यूट्रॉन है तो होगा इलेक्ट्रॉन। क्या होगा डियर स्टूडेंट? इलेक्ट्रॉन ना होंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी कि तेजी से चलने वाले बेटा के ने क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन। चलिए गज आप जो भी भेज जाते 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर देंगे, आपकी बार एग्जाम है 95 पर। चलिए चलिए तैयार है क्वेश्चन देने के लिए। चलिए ये रहा देखिए ये रहा गजब का क्वेश्चन 2021-22 में पूछा हुआ प्रश्न है। एक बाट इक्वल क्या होंगे? आप लोग का बाट लग गया, आप लोग कमेंट कर दीजिए कि एक बाट क्या हो जाएंगे, वन बाट इक्वल्स क्या हो जाएंगे। तो याद रखना जूल प्रति क्या गुलाम या सेकेंड? देखो सेकेंड होगा डी स्टूडेंट, क्योंकि वोल्ट में आप लोग का होगा वाला होता है, तो शक्ति का मात्रा का बाट होता है, तो यहाँ पर जूल प्रति सेकेंड हो जाएंगे। और आप लोगों को पता होना चाहिए एक वोल्ट बोले जूल प्रति गुलाम होते हैं, लेकिन गुलाम की बात नहीं आएगा, जूल प्रति सेकेंड ए नंबर हो जाएंगे। चलिए सही विद्यार्थियों को चाहिए पीडीएफ। क्या चाहिए? पीडीएफ, फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ। देखिए सबसे पहले आप लोग चाहते हैं डी स्टूडेंट, देखिए मेहनती स्टूडेंट बिल्कुल चाहते हैं। देखो मेहनती स्टूडेंट के लिए मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, ये आप लोगों को नंबर दिख रहा है, इस नंबर पर आप लोगों को कॉन्टैक्ट करने लगा है पीडीएफ के लिए, और पीडीएफ पर डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर आप लोगों को education.com गूगल पर सर्च करना है, यहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। रेगुलर क्लास शाम को 7 बजे 8 बजे होता है। जो विद्यार्थी नए वो ललका को दबा करके मन को कर लेना हल्का, और चलिए वेबसाइट पर आप लोग को ले चलते हैं पीडीएफ वगैरह और टेस्ट वगैरह कैसे आप लोगों को लगाना है। चलिए डी स्टूडेंट यहाँ से गूगल को ओपन कर लेना है, सभी विद्यार्थी जानते हैं गूगल, आप लोग जानते हो ओपन करना है, यहाँ से आप लोगों को गूगल ओपन कर लेना है, यहाँ से education.com सर्च कर देना है, ठीक है डी स्टूडेंट? यानी कि गूगल पर चले जाना है, education.com सर्च करना है, ये वेबसाइट आएगा, नीचे देखोगे वेबसाइट आएगा, सर्च करने के बाद यहीं आप लोग को सर्च करना है, सर्च करोगे यहाँ से वेबसाइट आएगा, इसी पर आप लोग को क्लिक करना है डी स्टूडेंट। आप लोग टेस्ट लगा सकते हो, आप लोग फ्री मटेरियल पीडीएफ आकर के पढ़ सकते हो, पीडीएफ पर डाउनलोड कर सकते हो, न्यूज आप लोग आकर के पढ़ सकते हो, जो चाहे आप लोग कर सकते हो यहाँ से आकर के, ठीक है डी स्टूडेंट? चले यहाँ से ओपन हुआ, यहाँ से आप लोग को पता है सही विद्यार्थी को यहाँ पर 12th IAS की जबरदस्त तैयारी कराई जाती है, तो इस पर आप लोग क्लिक कर सकते हो, ठीक है डी स्टूडेंट? चलिए एकदम बेहतर तरीके से आप लोग भौकाल मचाना एग्जाम में, ताकि कोई दिक्कत ना हो, आप लोग भौकाल मचाना एग्जाम में। देखिए यहाँ से आप लोग न्यू अपडेट पीडीएफ वगैरह डाउनलोड कर सकते हो, क्वेश्चन बैंक 2023 और टेस्ट वगैरह लगाने के लिए आप लोग को पता है कि डेली क्विज यहाँ पर चलता है, तो सही विद्यार्थी आओ ना यार टेस्ट लगाओ, आप लोग को बिल्कुल यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट चलेगा, यहाँ से इस प्रकार से नाम पर क्लिक कर देना है, ऐड आएगा तो ऊपर से आप लोग को पता है कि बंद करने का ऑप्शन देता है, बंद कर देना। देखिए यहाँ से अपना एक नाम दे देना डी स्टूडेंट, ताकि आप लोग को मैं पता कर सकूँ कौन विद्यार्थी बेहतर कर रहे हैं, ठीक है डी स्टूडेंट? यहाँ से आप लोग को टेस्ट दे देना है, यहाँ से आप लोग को अपना नाम दे देना है, जो भी आपका नाम हो डी स्टूडेंट। देखिए यहाँ से आपको पूरा नाम दे देना है, ठीक है डी स्टूडेंट? ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो पहचानने में कौन विद्यार्थी टॉप किया, ठीक है डी स्टूडेंट? चलिए यहाँ से मैंने अपना नाम दे दिया। देखिए यहाँ से आप लोग का क्वेश्चन भी स्टार्ट हो गया डी स्टूडेंट। देखिए ये रहा, कहा जाए प्रकाश बस किस भौतिक राशि का मात्रक है? पता नहीं डी स्टूडेंट, ऊर्जा का नहीं जी, दूरी का मात्रक है, बी नंबर। तो यहाँ से दूरी मार दो, आप लोग भी आओ, बिल्कुल इजी तरीके से आप लोग टेस्ट दे सकते हो। देखिए दो सामान्य संधारित्र है दोस्तों, तो समतुल्य धारिता पूछा था, श्रेणी क्रम के लिए आप लोग को पता बता चुके हैं। चले सही विद्यार्थी ना गूगल पर सर्च करना education.com, यहाँ से पीडीएफ आप लोग आकर के डाउनलोड भी कर सकते हो। इसके अतिरिक्त आप लोग दोस्तों 12th IAS में आकर के प्रिपरेशन भी अपना 12th का क्लास कर सकते हो। देखिए ये रहा 12th IAS, यहाँ से आकर के ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है ना? बाकी पीडीएफ डाउनलोड करना, न्यू अपडेट में चले जाओ, यहाँ से आप लोग आकर के देखिए हिंदी इंग्लिश गणित सही विद्यार्थी और रिविजन डाल लो, थोड़ा सा वक्त बचा हुआ है, ठीक है डी स्टूडेंट? चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जय हिंद, वंदे मातरम।